राधारमण हरे गोविंद जय
चात्मिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीसह गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। वैदग्धसिन्धुरनुरागैक सिन्धु वात्सल्य सिन्धुरति सान्द्र कृपायक सिन्धु लावण्य सिन्धुरमृत चविकेल सिन्धु श्रीराधिके स्फुरतु मे हृदिकेल सिन्धु। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री 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 मद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं जथाजों के प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गया से आए और उन्हें अपना बच्चों को सूत्र प्रीति टीका में केवल भगवान का नाम को ही व्याख्या कर रहे थे और सबको बोल रहे थे सारे शास्त्र का जो तात्पर्य है भगवान की भक्ति है। हम जो कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए बोले विद्या वधो जीवनम। विद्या क्या है? विद्या रूपी जो वधु है, हैं कहते इसका जीवन स्वरूप क्या है? बोले भगवान का नाम है। अगर हमने सारे विद्या को पढ़ाई किया भगवान का नाम में ही रुचि नहीं और लास्ट में जीरो है, लास्ट में हमें जीरो मिलेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं अगर हमने कोई ग्रंथ शास्त्र पढ़ा ही नहीं लेकिन भगवान का नाम को ही जीवन का सार बना दिया, समझने चाहिए हमारे सारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण सबके सब हमारी पढ़ाई हो गई। अगर हमने सारे शास्त्र पढ़ ही लिया लेकिन भगवान का नाम में ही तुम्हारी रुचि नहीं सबके सब तुम्हारी बेकार है। इसलिए गुरुदेव कथा सुनाते थे गुरुदेव कथा सुनाया करते थे बोले जिस समय ये रामायण ग्रंथ रचना हुई जिसमें 100,000 श्लोक था अभी ये ग्रंथों को लेकर के देवता दैत्य और मानव में झगड़ा हो गया। देवता लोग कहते हैं हमें मिलनी चाहिए, दैत्य लोग कहते हैं हमें मिलनी चाहिए और जो मनुष्य थे बोले नहीं हमें मिलनी चाहिए। तब उन्होंने बोले भैया लड़ाई करके कोई लाभ नहीं, चलो जिनका ग्रंथ है चलो हम उनको पास में चलते हैं। बोले ग्रंथ किसके हैं? बोले शंकर जी के। शंकर जी ने सर्वप्रथम जो रामायण है गोस्वामी जी कहते हैं जो वाल्मीकि लिखे हैं तुलसीदास जी लिखे हैं कहते सर्वप्रथम शंकर जी ये ग्रंथ को रचना करके अपना हृदय में रखा था है? उसको बाद में जो वाल्मीकि तुलसीदास जो रचना की है उसको बाद में इन लोगों ने रचना की जैसे श्रीमद् भागवत कथा
सर्वप्रथम श्री शंकर जी पार्वती को अमरनाथ में ये अमर कथा सुनाए थे, लेकिन बाद में व्यासदेव जी ने ग्रंथों को रचना किया, इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव श्री शंकर जी हैं। इसलिए बोले जिनका ग्रंथ हो उनको पास में चलो। अभी शंकर जी को पास में गए, जब गए बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले ठीक है तुम तीनों बैठ जाओ, तुम तीनों में मैं बंटवारा कर देता हूँ। तो उन्होंने तीनों में बंटवारा किया, तो जिसमें 1,00,000 श्लोक था उन्होंने 1,00,000 श्लोक को 30,000 में बैठ दिया। अभी कितना बच जाएगा? 10,000। फिर 10,000 को उन्होंने फिर 3,000 में बंटवा दिया, फिर कितना बच जाएगा? 1,000। 1,000 को फिर 300 में बंटवारा कर दिया, कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। 100 को फिर 30 बंटवा दिया, फिर कितना रह जाएगा? 10। फिर 10 को उन्होंने 3 कर बंटवा दिया, फिर लास्ट में रह जाएगा 1। कहते एक श्लोक में कहते 4 चरण होता है, कितना चरण होता है? जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक चरण है, बोले समवेत जुजुष्टव एक चरण है, बोले मामका पांडवाश्चैव एक चरण है, बोले कीम अकुर्बन संजय कहते ये एक चरण है। एक श्लोक में 4 चरण होता है। तब फिर उन्होंने सबको एक एक चरण दे दिया, दे दिया तो फिर बच गया एक चरण। बोले एक चरण में होता है 8 अक्षर होता है, कितना होता है? फिर ये 8 अक्षर को लेकर लड़ाई हुई, 8 अक्षर को उन्होंने फिर तीनों को 2, 2 और 2, तीनों को 2-2 दे दिया। अभी कितना अक्षर बचेगा? अभी 2 अक्षर बच गया। शंकर जी बोले देखो मैंने इतना कष्ट किया है, ये 2 अक्षर मुझे दे दो। कहते वो 2 अक्षर किया है? बोले कृष्ण नहीं तो राम है, इसलिए ये 2 अक्षर को शंकर जी अपना कंठ में धारण कर लिया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जय जपत महेशा, महामंत्र जय जपत महेशा, काशी मुख हेतु उपदेशा, काशी मुख हेतु उपदेशा। इसलिए कहते हैं लोग काशी में अंतिम समय में वहां पर अपना शरीर छोड़ने के लिए जाते हैं। बोले क्यों? बोले अंतिम समय में जो व्यक्ति काशी में जाएगा शंकर जी उनको कहना में भगवान का नाम दे देते हैं, नाम दे देने पर उनको उद्धार हो जाता है, इसलिए अंतिम श्वास छोड़ने के लिए काशी जाते हैं। इसलिए शंकर जी हैं कहते किसके बल पर हैं उन्होंने मुक्ति प्रदान करते हैं? बोले भगवान की नाम का बल पर ही ये मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए शंकर जी पंचमुख है राम नाम गान त्रिपुरा जी, शंकर जी हर समय पंचमुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं बोले भैया अभी तक जितने पढ़ाई लिखाई हमने किया है कहते इसका फल क्या है? इसका फल है ठाकुर जी का नाम है। इसलिए हमारे भारत में भले ही जो कुछ करना कर लो लेकिन अंतिम समय जब आएगा शरीर जब छूटेगा बस यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात हरी छुटा है, हैं? और बोल हरी हरी बोल, बंगाल में क्या था बोल हरी हरी बोल, और दक्षिण भाषा में गोविंद गोविंद भगवान का सबके सब नाम लेते हैं। इसलिए जब महाप्रभु ने बच्चों की सब बात बनाए बस महाप्रभु का संग पा करके, साधारण एक भक्तों का संग पा करके हैं नारद जैसे और महाप्रभु का भक्तों का संग पा करके कितने व्यक्ति सुधर गए, कितने व्यक्ति परिवर्तन हो गए। अगर जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु बच्चों को ये बात समझाएंगे फिर भक्त नहीं बनेंगे, सबके सब भक्त बन गए। बोले चलो उठाओ मृदंग करता, अब मृदंग करता उठाओ चलो गली गली में हरि हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः, जादवाय माधवाय केशवाय नमः,
गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। महाप्रभु गली गलियों में हरि कीर्तन करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसलिए अभी महाप्रभु ने जब ये प्रेम का प्रकाश किया, भक्त लोग ने अद्वैत आचार्य के पास मिले, बोले अद्वैत आचार्य तुमने सुना है? सुना कि नहीं? बोले क्या है, क्या बात है? हैं, कहते जो निमाई पंडित है ना, भक्त बन गया है, निमाई पंडित ये भक्त बन गया, इसलिए अभी ब्रह्मा हैं, इसलिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, अभी वो प्रेम अभी महाप्रभु क्या करेंगे, नवद्वीप की गली गलियों में वो प्रेम को प्रदान करेंगे। हैं, इसलिए महाप्रभु जब कृष्ण का नाम को लेते हैं, नाम लेते पछाड़ कहाँ कर गिरते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी नृत्य करते हैं, कभी गला पकड़ करके कृष्ण नाम लेकर के अझोर नयन में हैं रोते रहते हैं कृष्ण नाम लेकर के। इसलिए अभी नवद्वीप का भाग्य बदल गया है। देखो अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, बोले मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को सब कुछ पता है। बोले क्यों? कहते ये अद्वैत आचार्य कौन, कदी सदाशिव है अद्वैत आचार्य, वो सदाशिव महाविष्णु, ये इनको क्या पता है? नहीं, कदी ये सब कुछ पता है, हैं? इसलिए जब ये सदाशिव स्वरूप में होते हैं, जब भक्त रूप में होता है ना, इसलिए भगवान को जो ज्ञान भगवान को भी नहीं होता है, ये भक्तों को ज्ञान हो जाता है, हैं? जैसे श्री लवकुश, लवकुश देखे हो? कौन कौन लवकुश देखे हो? लवकुश देखे कि नहीं? जिस समय लवकुश को लीला देख रहे थे, जिस समय हनुमान जी को उन्होंने बांध दिया है नागपाश बंधन में, हनुमान को भी बांध दिया, जब हनुमान जी को बांध दिया हनुमान जी को, इतने में सबको उन्होंने परास्त कर दिया, परास्त कर दिया, इतने में हनुमान जी भगवान राम भी युद्ध करने के लिए आ गए, लास्ट में भगवान राम आए, इतने में हनुमान जी प्रार्थना करते, बोले हे प्रभु अगर मेरे अंदर में अब की भक्ति, भक्ति कैसे है? वो हनुमान जी कहते हैं जैसे एक शिशु का हृदय होता है, जैसे एक शिशु का बालक का हृदय होता है, आप बालक को देखना एक थप्पड़ मार दो ना, बस थोड़ी देर बाद में फिर भूल जाता है, कोई भी बालक को बुलाए उसको गोद में बालक चला जाता है, क्योंकि उसका हृदय एकदम निर्मल शुद्ध होता है, कोई कपट चाल प्रपंच कुछ भी नहीं होता है बालक का हृदय में। कर जो भक्ति है ना, भक्ति ठीक बालक का हृदय बती भक्ति है, बालक का हृदय बती भक्ति है, हैं? इसलिए भक्ति उनका हृदय में प्रकट होता है जिनका हृदय में सरल है, इसलिए बंसुरी तभी बजती है। बंसुरी क्यों बजती है, क्या कारण है? कहते उसका अंदर जो है ना, उसका अंदर है पोला है, उसका अंदर में पोला, कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी वैसे ही बजती है। इसलिए अगर हम अपना हृदय को पोला बना देना, बस भगवान फिर हमें भी बजाना शुरू कर देंगे, लेकिन हमारा हृदय पोला है ही नहीं, खाली है ही नहीं, हमारे हृदय में तो पता नहीं कीचड़, कितने कितने कपट था, धूर्त था, हैं? पता नहीं हमारे हृदय में बहुत कुछ भरा हुआ है। इसलिए यहाँ हनुमान जी कहते हैं, बोले प्रभु जी अगर मेरा हृदय शिशुवत एक बालक बत अगर हृदय है, इसलिए आप कृपा करके बताइए, हमें स्फुरण कराइए, हमें ये दो बालक को देख कर कुछ शंका हो रहा है, इनके असली पिता माता कौन है, मेरे को दर्शन दो। जब उन्होंने प्रार्थना किया ना, इतने में उन्होंने राम और सीता जी को दर्शन किया, हैं? राम और सीता जी को उन्होंने दर्शन किया, इसलिए भगवान राम युद्ध करने के लिए युद्ध कर रहे हैं, लव कुश के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान राम को ही पता नहीं है मेरे बच्चे हैं, बच्चे उनको पता नहीं कि जोग माया आवृत करके रखे, लेकिन हनुमान जी को पहले ही पता चल गया कौन है, इनका पिता माता कौन है, मुझे सीता और राम। यहाँ पर अद्वैत आचार्य जी कह रहे हैं, कहते मेरे को पहले से ही मेरे को पता चल गया था, कुछ कुछ लक्षण से पता चल गया, बोले कैसे, एक अद्भुत बात होता है, बोले एक समय मैंने गीता पढ़ रहा था, गीता पढ़ते पढ़ते एक श्लोक मेरे समझ में नहीं आया, देखो गीता कितने दुर्लभ ग्रंथ है, हैं? महाविष्णु जो सदाशिव है वो कह रहे हैं मैंने गीता पढ़ते पढ़ते एक श्लोक मेरे समझ में नहीं आई, हैं? इसलिए किसको समझ में आता है गीता, जो टीका है ना, बहुत लोग तो टीका लिखे हैं,
लेकिन सबका टीका सही नहीं, सबका टीका सही नहीं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जो टीका लिखते हैं ना, प्रार्थना करते हैं, जैसे गोपी गीत का है, कहते बंसी जो बेणु गीत का जो टीका लिख रहे हैं जीव गोस्वामी और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, प्रार्थना करते हैं, बोले हे ब्रज देविया, हे ब्रज देविया, आपका हृदय तो सब नहीं समझ सकते, क्यों उन्होंने कौन श्लोकों को क्यों किस लिए उन्होंने बताया उसको कौन समझ सकता है, वो ब्रज देवी ही उनको पता है क्यों किस लिए एक श्लोक उन्होंने किस रूप में बोल रहे हैं, वो ब्रज देवियों को गोपियों को पता है। इसलिए प्रार्थना करते, अगर आप लोग हृदय में स्फूर्ति अगर कराओगे तो तभी ये टीका हम लिखने में समर्थ होंगे। इसलिए हे ब्रज देवियाँ गोपियाँ मेरे, हे राधा रानी, आप मेरे हृदय में स्फूर्ति कराओ। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कौन है, वो भी एक सखी, वो भी एक मंजरी है। इसलिए तभी जो बेणु गीत है, जो गोपी गीत में उन्होंने जो टीका लिखे है ना भगवान, इसलिए हम लोगों ना सब ग्रंथ पढ़नी चाहिए, इस ग्रंथों को हमें पढ़नी चाहिए। जो हमारी संप्रदाय में जो चीज उपलब्ध है ना, किसी संप्रदाय में नहीं, किसी संप्रदाय में नहीं, किसी भी संप्रदाय में देखो आपको मिलेगा केवल एक एक आध कोई ग्रंथ मिलेगा, एक आध कोई ग्रंथ, ज्यादा नहीं मिलेगा, है बंद कर दे। इसलिए एक आध कोई क्या मिल जाएगा, एक आध कहीं ग्रंथ मिले, ज्यादा ग्रंथ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे संप्रदाय में देखो इतना ग्रंथ, इतना ग्रंथ, बंद कर लेते हैं। इसलिए हमारी संप्रदाय में इतना ग्रंथ, हमारी संप्रदाय में देखो केवल श्री रूप गोस्वामी का देखो, केवल रूप गोस्वामी को देख लो कितने ग्रंथ, क्या क्या उन्होंने बनाए। श्री जीव गोस्वामी को देखो कितने ग्रंथ बनाए, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, श्री हैं कहते सनातन गोस्वामी को देखो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को देखो, बलदेव विद्याभूषण प्रभु को देखो, भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसे ऐसे ना हमारे एक एक गोस्वामियों ने जो जो ग्रंथ बनाया, दूसरे दूसरे संप्रदाय में देखोगे पूरा संप्रदाय में भी उतना ग्रंथ नहीं, हमारे एक गोस्वामी ने जो इतने ग्रंथ बनाया। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है, हम लोग बड़े सौभाग्यवान है, हम लोगों ने इसी संप्रदाय में आए। इसलिए क्या करनी चाहिए, इस ग्रंथ को गोस्वामी लोगों ने बहुत कष्ट से बनाए, इसलिए क्या करनी चाहिए, सब ग्रंथों को हमें पढ़नी चाहिए, सब ग्रंथों को पढ़नी चाहिए है। इसलिए और विशेष कर हमारे श्री भक्ति विदास नारायण गोस्वामी महाराज, हम दूसरे दूसरे जगह पर देखा है कोई ग्रंथ व्रंथ में कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते, बिछा करके लाए, खाए पी और सो गए। लेकिन देखा हम मथुरा में जब आया, मथुरा में जब आया ना, तभी जब देखा गुरुदेव ऐसे ऐसे कथा बोलते थे, हम बोलते थे भाई गुरु जी हमसे बात कहाँ से मिला, चमत्कार चंद्रिका है और उसने प्रेम संपुट गुरुदेव कथा बोलते थे, और जो माधुर्य कादम ने हम तो कोई सुना ही नहीं था, ये माधुर्य कादम में भी ग्रंथ है, ये प्रेम भक्ति चंद्रिका उसी है चमत्कार चंद्रिका, हमने कभी सुना ही नहीं सब ग्रंथ का नाम, ऐसे ऐसे ग्रंथ है। इसलिए हमारे महाराज जी जब गिरिराज गोवर्धन में रहते थे, पूरा गिरिराज का परिक्रमा लगाते थे, गिरिराज की परिक्रमा लगाए करते थे, दिन में दो तुल्ला हरिनाम करते थे और वहीं पर बैठ करके सारे ग्रंथों को, गौड़ीय ग्रंथों को गुरुदेव ने वहां पर अध्ययन किया है, सारे गौड़ीय ग्रंथों को गुरुदेव ने अध्ययन किया है। इसलिए हम लोग इधर आकर के इतने ग्रंथ की बात हम लोग सुनने की हमें मिल रहा है, ठीक है। इसलिए हाँ यहाँ पर से देखो अद्वैत आचार्य जो सदा सिंह जो महाविष्णु वो कह रहे हैं, मैंने एक समय कोई गीता मैंने पढ़ते पढ़ते एक श्लोक पढ़ा लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। पहले हम सुन रहे थे ना स्वर्ग में देवता लोग का मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर जम महाराज चित्रगुप्त इंद्र चंद्र सारे देवता लोग बैठे हैं, गीता का एक श्लोक को समझ नहीं पाए, बोले इसको कौन समझ पाएगा, बोले जो शुद्ध भक्त होगा वही समझ पाएगा, बोले कहाँ मिलेगा, बोले अभी मरते जगत में एक महाभागवत श्री भक्ति विनोद ठाकुर उनको बुला करके लाओ और खटिया समेत उड़ा करके ले गए। भक्ति विनोद ठाकुर खटिया समेत उड़ा करके स्वर्ग में ले गए, फिर उन्होंने जाकर के उस श्लोक को व्याख्या किया। यहाँ पर अद्वैत आचार्य स्वयं कह रहे हैं, मैंने जब एक श्लोक को नहीं समझ पाया ना, कहते मैंने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं करके, बोले जब एक श्लोक को समझ नहीं पाया भोजन करके क्या लाभ, कहते मैंने उपवास भूख मैंने सहन कर लिया, जब सहन कर लिया इतने में एक व्यक्ति हमें उठा रहे, बोले उठो अद्वैत आचार्य जी उठो,
तुम जो श्लोक को समझ नहीं पा रहा था ना, इसका मतलब ये है, है? कहते वो महापुरुष ने हमें उसका मीनिंग बताए, है? मीनिंग बता करके और क्या बताए, बोले देखो तुमने जो इतना आराधना किया है, इतने उपवास तुमने किया है, तुमने इतना संकल्प, इतने प्रतिज्ञा, इतने क्रंदन किया है, हैं? इसलिए अद्वैत आचार्य ने कितना कठोर तपस्या किया, बोले क्यों, जगत का दुर्दशा को देख करके लोग कैसे भगवान का कोई नाम गंध नहीं, भक्ति भक्ति नहीं है, सबके सब विषय में मत है, खाओ पियो और बच्चे जन्म देकर मर जाओ, जानवर जैसे जीवों जैसे जी जैसे जीवन बिता रहे थे। और अद्वैताचार्य दुखी क्यों हुए, वहां विष्णु है ना जगत को सृष्टि करने वाले, कभी जगत को मैंने इसलिए सृष्टि किया थोड़ी है, कुत्ते गधे सुअर जैसे खा पी करके जीवन को बिताने के लिए थोड़ी मैंने जन्म दिया है, इसलिए मैंने सृष्टि किया, किसलिए जीवन दिया है, भगवान के भजन करने के लिए आए थे, हरि भजन को ओटो ना लगे कपास, किस लिए आए जीवन पाने पा करके, भजन करने के लिए, लेकिन लोगों ने उल्टा काम में सबके सब लग पड़े, इसलिए उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की भगवान को बुलाने के लिए, इसलिए तुमने जितने क्रंदन किया, प्रतिज्ञा किया है, वो प्रभु प्रकट हो गए हैं, अभी नगर नगर में कीर्तन होगा, और जो श्रीवास पंडित के घर में है ना, है श्रीवास पंडित के घर में कहते ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, उनके घर में वो कीर्तन होगा, उसके घर में वो कीर्तन होगा, श्रीवास पंडित के घर में। इतने में उन्होंने बोले ब्रह्मा दुर्लभ भक्ति अक्षय जतक तुमार प्रसाद एवे सब देखी वे, कहते ब्रह्मा दुर्लभ भक्ति अक्षय जतक, कहते ब्रह्मा के लिए जो दुर्लभ भक्ति है, बोले तुम्हारी आशीर्वाद में अभी ये कलयुग में सब लोग को देखने को मिलेगा, हैं? इसलिए यही श्रीवास रे घरे जतेक वैष्णव ब्रह्मादिर दुर्लभ देखी वे का अनुभव, यदि श्री श्रीवास घर में वैष्णव लोग इस प्रेम को दर्शन करेंगे, जब उन्होंने मेरे को उठाया ना, मैं सो रहा था, उठाया बोले उठो उठो, मैंने जब उठ करके मैंने आँख खोला, देखा चैतन्य महाप्रभु को, किसको देखा, उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, इसलिए श्लोक का मिनी किसने बताए, चैतन्य महाप्रभु बताए उनको श्लोक का मिनी, और उन्होंने जो इतना कठोर तपस्या किया है महाप्रभु है, तब वो कह रहे हैं मेरे को बचपन से इनका जो बच्चा था ना तभी से कुछ अनुभूति हुआ, तो कहते कैसे अनुभूति हुआ बताओ, कैसे अनुभूति हुआ, जब महाप्रभु है जब छोटे निमाई थे तब बड़े भैया विश्वरूप इनकी टोली में पढ़ते थे, जब घर में रसोई बन जाती थी सच्ची मैया बोलती थी, बोले निमाई रसोई बन गया है, ठाकुर को भोग लग चुका है, जा पास में था टोली, टोल था पास में स्कूल, जहाँ बड़े भैया को विश्वभर श्री विश्वरूप को बुला करके ले आओ, प्रसाद का समय हो गया, और महाप्रभु एकदम नंगे धड़ंगे है, छोटे बच्चे है, सारा शरीर में धूल धूसरी था, जब महाप्रभु स्कूल के अंदर में प्रवेश करते थे, प्रवेश करते ही वो क्या देखते थे, अद्वैत आचार्य जो सारे शास्त्र ग्रंथों को भक्ति पर व्याख्या करते थे, हैं कहते जेहना शंकर, शंकर जैसे पंच मोह में भगवान का नाम जप करते हैं, ऐसे ही अद्वैत आचार्य जैसे पंच मोह में हरि की भगवान की गुण कीर्तन को वहां पर महिमा को प्रचार बोल रहे थे, और वहां पर जब देखते थे भक्त लोग बैठे, और अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं, भगवान की गुणगान कर रहे हैं, महाप्रभु खुश हो जाते थे, महाप्रभु आशीर्वाद आशीर्वाद देते थे, हैं खूब फलते फूलते रहते, क्या शिक्षा देते हैं, जैसे यहाँ जगन्नाथ जी है, कौन बैठे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बैठे है, ठाकुर जी बैठे, जब वो देखेंगे ना यहाँ पर हरी कथा हो रही है, हरी चर्चा हो रही है, भगवान की कीर्तन हो रहे हैं ना, भगवान सबसे ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ना अहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि, नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं जोगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, जहाँ पर मेरे भक्त लोग बैठ करके मेरी कथा करते हैं, मेरी कीर्तन करते हैं, मैं वहीं रहता हूँ, इसलिए प्रभुपाद ने बताए गौड़ीय मठ मतलब क्या है, गौड़ीय मठ मतलब क्या, बसंती पठंती जत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थ की छात्र निवास करते हैं और भगवान भक्ति की ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, भगवत भक्ति ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया गौड़ीय मठ में
ये हरि कथा रूपी जो अग्नि ये कभी नहीं बुझनी चाहिए, हर समय ये जलती रहनी चाहिए, हर समय हरि कथा चलती रहनी चाहिए, हरि कथा चलनी चाहिए। लेकिन जब हरि कथा बंद हो जाएगा ना, अगर हरि कथा नहीं होगा तो क्या होगा यार, तो सब बैठ करके इधर उधर की सारा दुनिया की बद जी में ना है, हरि कथा बोलेंगे तो दुनिया की बात बनेगी, फिर स्मार्टफोन लेकर के दिन भर देखेंगे और इधर उधर की उल्टा पुल्टा सब उल्टा पुल्टा बात करके चर्चा करेंगे है। इसलिए हरि कथा हर समय, इसलिए महा अद्विताचार्य कह रहे, लेकिन जब वो प्रवेश करता था वो बच्चा, उस समय मुंह से बोली बंद हो जाता था, और जितने बच्चे पढ़ते थे ना उसी समय में वो सबके सब टक टक लगा करके देखने लग जाते थे। अद्विताचार्य इसे टक टक लगा कर देखना लग जाते थे। अद्विताचार्य महाप्रभु क्या करते थे हैं, श्री विश्वरूप का कपड़ा खींचते हुए खींच करके, और इधर अद्विताचार्य बोले अभी पहचान नहीं रहे हो, तुमने बुलाया मेरे को, मैं सूती आचने की रहा समुद्र सागरे निद्रा भंग हिलमोर नारारों कर, यार मैं गोलोक वृंदावन में सो रहा था, तुमने वहां से बुला करके ले आया और हमको देख रहे हो, पहचान नहीं रहे हो, देखोगे कुछ दिन बाद में फिर मेरे को पहचानोगे। और श्री अद्वैत आचार्य सोचते थे बोले भैया ये बच्चा है को, क्योंकि मेरे मन को वो महाविष्णु सदा कहते मेरे मन को तो साधारण व्यक्ति आकर्षण नहीं कर सकते, इसलिए बच्चा कौन है। इसलिए अद्वैत आचार्य अभी बता रहे हैं कहते देखो ये बात मेरे को पहले से ही ये बात मेरे को पता चल गया था, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। इसलिए भक्ति वाला आशीर्वाद सब जय जयकार करे प्रभु सुस्तोल संकृत, इसलिए क्या करेंगे ठीक है महाप्रभु जो सुस्त हो जाएगी हम सब के सब भगवान का कीर्तन करेंगे। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु और एक बहुत अच्छा सिखा दिया, देखो क्या सिखा देते कि जिस समय सवेर में सारे भक्त जय श्रीवास पंडित भक्त लोग है सबके सब गंगा स्नान में जाते थे। पहले लोग क्या करते, पहले तो घर में ही हैंडपंप भी नहीं होता था घर में, और घर में ये जो आप ये नल में जो स्नान करते ये भी नहीं होता था। पहले क्या होता था, कहीं तालाब होता था नहीं तो कहीं नदी होती थी, और गंगा अगर घर के पास में हो ना लोग बड़ी दूर दूर से क्या करते थे गंगा स्नान करने के लिए जाते थे सब हैं, गंगा स्नान करने के लिए जितने भक्त लोग थे सबके सब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। जब जाते थे इतने में श्री चैतन्य महाप्रभु भी जाते थे, जब उन्होंने भक्त लोगों को दर्शन करते थे महाप्रभु सबको प्रणाम करते थे, सारे भक्तों को महाप्रभु प्रणाम करते थे। जब प्रणाम करते थे महाप्रभु पहले कैसे थे, बड़े विद्वान हैं, बड़े विद्वान थे, लेकिन महाप्रभु का अभी संपूर्ण हाव भाव सबके सब परिवर्तन हो गया है हैं? अभी उन्होंने निमाई पंडित नहीं, अभी भावुक निमाई बन गए हैं, भक्त निमाई बन गए। इसलिए जब भक्त लोग को प्रणाम करते थे, देखो ये प्रणाम जो करना है ना एक बहुत बड़ी चीज है। आप किसको प्रणाम करो, हृदय से अपनी आप आशीर्वाद, अपनी आप घर में सबर जैसे पिता माता को गुरुजन को प्रणाम करो। प्रणाम ऐसे की चीज है जो प्रणाम करेगा ना उसका हृदय से अपनी आप आशीर्वाद निकलेगा। जब महाप्रभु प्रणाम करते थे श्रीवास पंडित क्या बोलते थे, बोले कृष्ण भजले से बाप सब सत्य है, कृष्ण ना भजले रूप विद्या किछु नहीं है। बोले कृष्ण भजले से बाप सब सत्य है, अगर ये जीवन पाकर कृष्ण भजन किया तो सब कुछ सही है, और कृष्ण ना भजले कभी जो रूप और जो विद्या है ये सब सबके सब तुम्हारी बेकार है। अभी जब महाप्रभु के भक्त लोग आशीर्वाद देते थे उसी समय में महाप्रभु सुनकर बड़े खुश होते थे हैं, खुश होते थे। महाप्रभु कहते थे देखो जब तक भक्तों का कृपा नहीं होता है ना तब तक भक्ति में रुचि नहीं होती है। इसलिए महाप्रभु कहते थे लगता है मेरा कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार है, क्योंकि तुम लोग मेरे को कृष्ण भक्ति की शिक्षा हमें प्रदान कर रहे हो, लगता है मेरे कोई पूर्व जन्म की कोई संस्कार है, तभी तो। इसलिए कहते ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तलता बीज। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमित भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को साधु संग प्राप्त होता है, पर साधु तभी ये उपदेश प्रदान करते हैं, साधु
तभी ये उपदेश प्रदान करते हैं। इसलिए महाप्रभु बड़ा अच्छा मानते थे, भक्त लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने विभिन्न पुराणों से उन्होंने श्लोक को उद्धृत किया। ये जो चैतन्य भागवत है ना, इसलिए ये चैतन्य भागवत से अलग अलग तत्व है ना, है जैसे कुछ दिन पहले हैं हम लोग श्रवण कर रहे थे, किसका भक्ति की महिमा सुन रहे थे, भक्तों का महिमा सुन रहे थे। यहाँ पर भी प्रभुपाद भी विभिन्न पुराणों से पता नहीं कहाँ से उन्होंने श्लोक को उद्धृत करके दिया है, हैं भक्तों कृपा से क्या होता है। अगर हमें कोई वैष्णव कोई भक्त अगर हमें कृपा करता है, इसके कृपा के बगैर भक्ति नहीं मिलती है, और भक्त कृपा से क्या होता है, यहाँ पर उन्होंने श्लोक बहुत श्लोक दिया है। कहते जे मैं भक्ता जना पार्थ, उसके बाद में श्लोक श्लोक याद नहीं किया था, जे मैं भक्ता जना पार्थ ना मैं भक्ता स्तते जना मत भक्ता नांच जो भक्तास्ते समय युक्त तमाम है। इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, अगर जो कहते हैं जे मैं भक्ता जना पार्थ बल है अर्जुन, जो लोग कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण कह रहे वो मेरा भक्त है ही नहीं, लेकिन मेरे असली भक्त कौन है, बोले मत भक्ता नांच जे भक्तास्ते है, जो मेरे भक्तों का जो भक्त है कहते वो मेरे प्रिय है। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कीर्तन करते हैं, यदि वैष्णव घर है ताम कुकुर एंठो दिया ताराई तो वैष्णव ठाकुर, प्रार्थना क्या कर रहे हैं, अगर वैष्णव घर में अगर कुत्ते रूप में भी हमारी जन्म हो जाता है ना, वैष्णव घर में कुत्ता होना भैया साधारण बात नहीं, क्यों, सबसे पहले जो खाएगा ठाकुर जी को भोग लगाएगा, है ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद फिर क्या होगा, फिर उसको भक्त लोग पाएंगे। हम किसी भक्तों का प्रसाद लेने के लिए जाओ, भक्त सहज में प्रसाद नहीं देते हैं, भक्त लोग सहज में अपना उचिष्ट नहीं देते हैं, लेकिन भक्त लोग जो प्रसाद पाकर जब फेंक देते हैं ना, उसको तो फेंकना ही पड़ेगा, फिर वो किसको मिलता है, जो किसी को नहीं मिलता है वो कुत्ते को मिलता है, ओ कुत्ता को मिलता है। इसलिए कहते हैं एठो दिया ताराए तो वैष्णव ठाकुर, अगर वैष्णव घर में अगर कुत्ता जन्म हो जाए ना, बस भक्तों का प्रसाद पाते वाले जीवन कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहते हैं मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मेरे प्रिय है। बोले न मैं भक्त प्रिय चतुर्वेदी मत भक्त स्वपच प्रिय, इसलोक याद है, तस्मै दयम तत्व ग्राज्यम सच पूज्य जथाई अहम। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न मैं प्रिय चतुर्वेदी, अगर कोई व्यक्ति चार वेद को पढ़ लेता है कहते वो मेरा प्रिय नहीं है, न मैं प्रिय चतुर्वेदी, फिर मेरा प्रिय कौन है, मतलब मत भक्त सुपच प्रिय, अगर कोई चंडाल क्यों नहीं हो, अगर वो मेरा भक्त है वो मेरा प्रिय है, हैं तस्मै देयम तत्वग्राज्यम सच पूज्य जथाम्यम, वो जो वस्तु हमें प्रदान करता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ, जैसे मेरी पूजा होता है उसको भी जगत में पूजा होता है। हमारे उड़ीसा में है ना दासिया बाउरी, नाम सुने कि नहीं, दासिया बाउरी, वो एक बहुत बड़ा महाजन जा रहा था, लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई रसमलाई हैं, लड्डी की चमचम और छेना पोड़ो हैं, सब लेकर क्या करने जा रहा था, जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए जा रहा था, जा रहा था तो ये जो दासिया बाउरी हैं, बाउरी मतलब चंडाल जैसे हम छोटे जाति में, बोले भैया नारियल ले जाओ और जगन्नाथ जी को दे देना, जगन्नाथ जी को नारियल दे देना। बोले हम इतने सारे हैं पकवान ले जा रहे हैं बढ़िया बढ़िया चीज, जगन्नाथ नहीं लगी, ये कहते नारियल ले जाओ जगन्नाथ जी को दे देना, जगन्नाथ जी ले जाएंगे, जगन्नाथ जी नारियल ले जाएंगे, इसलिए जगन्नाथ जी को दे देना। उन्होंने कहा ठीक है दे दो। जब उन्हें लेकर के आए, जब उन्हें ठाकुर को बहुत कुछ भोग लगाया है, भोग लगाने के बाद उसको याद आया, अरे ये दासिया बावर तो मेरे को नारियल दिया था जगन्नाथ जी को देने के लिए, तब उन्हें नारियल को हे जगन्नाथ जी हे महाप्रभु महाभाव ये दासिया बावर ने दिया ये नारियल, बस बोलते नारियल गाली, जगन्नाथ जी वहीं से जगन्नाथ जी ग्रहण कर लिया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, कहते अगर मेरा भक्त अगर चंडाल क्यों नहीं हो, हैं वो जो वस्तु को प्रदान करता है वो वस्तु में ग्रहण करता हूँ। इसलिए बोले सबसे ऊंचे
प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई ओ साग भी दूर घर खाई सबसे ओचे प्रेम सगाई सबसे ओचे प्रेम सगाई दुर्योधन की मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग भी दूर घर खाई ओ साग भी दूर घर खाई सबसे ओ जे प्रेम सगाई सबसे ओ जे प्रेम सगाई इसलिए सबरी के झूठे बेर खाए बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई इसलिए भगवान सबरी के झूठे बेर खा करके भगवान क्या बोले बोले आज तुम्हारे झूठे बेर में जो स्वाद आ रहा है ना वैकुंठ में मेरी लक्ष्मियां पता नहीं कितने छापान भोग 36 व्यंजन लगाते वो स्वाद उसमें नहीं आता है जो स्वाद तुम्हारे झूठा झूठे बेर में आया इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते बृहद नारदीय पुराण में बताए बोले हरि भक्ति तान जस्तु हरि बुद्धिया प्रपुजय तस्य तु संति विप्रथा ब्रह्मा विष्णु शिवादय कहते वैष्णव को यहाँ पर करे हैं कहते हरि भक्तों को जो लोग पूजा करते हैं है? कहते हरि भक्तों को जो भगवत अभिन्न रूप में पूजा करते हैं क्या होता है बोले तस्य तु संति कहते उसको ऊपर में कौन प्रसन्न होता है बोले ब्रह्मा विष्णु और जो महेश्वर है उनको ऊपर में प्रसन्न हो जाता है जो वैष्णव का हरि अभिन्न रूप में जो पूजा करते हैं इसलिए मत भक्ता पूजाभ्याधिक सर्वभूतेषु मन्मति अमार पूजा अमार भक्तर पूजा बोलो अमा हैते बड़ उसके बाद में सही प्रभु भागवत वेदे कहिला दृढ़ भगवान ने दृढ़ रूप में बता क्या बताया मेरे पूजा से भी मेरे भक्त का पूजा श्रेष्ठ है मेरे भक्त का पूजा श्रेष्ठ है इसलिए भगवान भक्त पूजा से ज्यादा खुश होते हैं इसलिए कहते यहाँ से श्लोक उठाकर बताए और कहते पद्म पुराण में बताया बोले अर्चयित्वा तु गोविंदम उसके बाद में अर्चयित्वा तु गोविंदम तद भक्तम नार्चयित्वा जत तस्मात् सर्व प्रजा न चत अर्चयित्वा तु गोविंदम तद भक्तम न अर्चयित्वा तत् न च भागवत गेयत् केवल दाम्भिक स्मित इसलिए यहाँ पद्म पुराण में बताया अर्चयित्वा तु गोविंदम जो व्यक्ति गोविंद को तो अर्चना पूजा करते हैं किंतु न तद अर्चयित्वा तद भक्तम लेकिन उसका भक्तों को पूजा कुछ नहीं करते हैं कहते न च भागवत गेयत् केवल दाम्भिक स्मित है कहते वो भागवत नहीं केवल ये दम्भ प्रकाश बताए इसलिए जिस समय श्री अगस्त ऋषि आए किसको पास में आए अगस्त ऋषि बोलो इसलिए हाँ इंद्रदुम्न महाराज के पास में जब आए इंद्रदुम्न महाराज क्या कर रहे थे सालग्राम पूजा कर रहे थे हैं पूजा कर रहे थे इतने में सालग्राम पूजा कर रहे थे भगवान की पूजा कर रहे थे इतने में श्री अगस्त ऋषि आए बोला आए बैठ जाएंगे उसमें क्या हो गया ये थोड़ी भगवान से थोड़ी बड़े हैं ये भगवान साक्षात भगवान में पूजा कर रहा हूँ सालग्राम को ये भगवान से थोड़ी बड़े हैं जब पूजा खत्म हो जाएगा फिर तब क्या करूंगा फिर उनका मैं आदर कर दूंगा इतने में अगस्त ऋषि को क्रोध आया बोले हाँ सालग्राम पूजा तो कर रहे हो भगवान को लगता है किसी वैष्णव का अनुगत्य में तुमने ये भजन पद्धति नहीं सीखे हो किसी गुरु वैष्णव का अनुगत्य में तुमने ये पूजा सभा नहीं सीखे हो हाँ हाथी जैसे बैठ करके हाथी जैसे टोट गया ऐसे ऐसे चलता है हाथी जैसे तुम्हारी बीमार जा तू हाथी बन जा उसको हाथी बनना पड़ा भगवान उसको बचाए नहीं ठाकुर नहीं बचाए ठाकुर को पूजा कर रहे थे यहाँ शिक्षा दे रहे हैं अगर भगवान की भक्तों को पूजा नहीं करके केवल भगवान को पूजा करना
हैं, कहते नच भागवत केवल दाम्भिक स्मृत, उसका अंदर पहले दम्भ प्रकाश पाता है, कोई भक्ति की कोई लक्षण नहीं। बोले तस्मात सर्व प्रजतने न वैष्णवान पूजयते सदा, इसलिए क्या करनी चाहिए, इसलिए क्या करो, तस्मात सर्व प्रजतने न, बोले सारे चेष्टा को द्वारा वैष्णवात पूजयते सदा, हर समय क्या करो वैष्णव को पूजा करो। बोले क्यों वैष्णव पूजा करेंगे, कारण है वैष्णव का हृदय में तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, भक्तों का हृदय में ही भगवान का निवास है। जब कोई शुद्ध भक्त, इसलिए भागवत में एक श्लोक आया, उस श्लोक में बताए कहते अगर मेरे को कोई भोजन खिलाना चाहते हो ना, मेरे भक्तों को भोजन करा दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि उनका हृदय में मैं उनका हृदय में बैठा हुआ होता हूँ। जब मेरे भक्त प्रसन्न हो जाते हैं कहते मैं अपने आप प्रसन्न हो जाता हूँ। एक समय एक भक्त एक कथा सुना रहे थे, बोले एक समय जयपुर में एक बहुत बड़ी यज्ञ हुआ है, तो यज्ञ हुआ है, वो यज्ञ में उन्होंने क्या किया, यज्ञ में बड़ा सुंदर खीर बनाया, लास्ट में खीर का आहुति देते हैं ना, बड़े सुंदर खीर बनाया, खीर बना करके लास्ट में खीर का आहुति देंगे, और ब्राह्मण लोग तो थोड़ा मिष्टान्न प्रिय होते हैं, ब्राह्मण लोग देखना थोड़ी सी मीठा उनको ज्यादा प्रिय होता है, हैं ब्राह्मण लोग, मैंने बहुत सारी जगह में देखा जो ब्राह्मण लोग ना मीठा बहुत उनको बढ़िया लगता है। अभी उन्होंने देखा भैया बढ़िया सुंदर सुंदर खीर है, एकदम दूध को गर्म करते 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 एकदम राबड़ी जैसे बना हुआ खीर। फिर उन लोगों ने ठाकुर जी को भोग लगा करके आहुति देंगे, बोले देखो ठाकुर जी को थोड़ी सी कम आहुति खीर, आग में ना आहुति थोड़ा कम देंगे, थोड़ा बच्चा करके ना आज खीर खाएंगे, इसलिए उन्होंने भोग लगाया। लेकिन उन्होंने क्या किया, आहुति लास्ट में जो आहुति देते हैं उसमें थोड़ी सी खीर डाले और खीर को छुपा कर रख दिया, रख करके उन्होंने और जो प्रसाद पाए उस समय में खीर को बढ़िया आनंद में पाए, बड़े खुश हुए, जो खुश हुए इतने में जो ठाकुर जी बोले गोविंद देव राजा को स्वप्न दिया, हाँ राजा को स्वप्न दिया, बोले देखो यज्ञ तो बहुत करता था लेकिन आज का यज्ञ में मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ। हाँ राजा बोले भैया ब्राह्मण ने ऐसे कौन सा यज्ञ किया, ठाकुर जी कह रहे संतुष्ट हो, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण लोग होते थे ना ऐसे तैसे ब्राह्मण नहीं होते थे, वो सचमुच से वर्णाश्रम धर्म को जाजन करने वाले पहले ब्राह्मण तो भक्ति होते थे, भक्ति करते थे, भजन करते थे, हाँ ब्राह्मण लोग भक्ति भजन पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने ठाकुर जी राजा सोचे ऐसे कौन सा यज्ञ किया, आज ठाकुर जी स्वप्न दिए भैया आज यज्ञ में सबसे ज्यादा खुश हुआ। राजा तो खुश हो गया, ब्राह्मण को बुलाया, बोले भैया कल तुम लोग जो आहुति दिया था कैसे आहुति दिया था, हैं सारे ब्राह्मण तो सारे ब्राह्मण तो डर गए, बोले हे भगवान लगता है राजा को किसी ने चुगली कर दिया, क्योंकि हमने कम उसमें कम डाला ना आहुति डाला उसमें और हमने बचा करके चकाचक खीर को भोजन किया, लगता है राजा को पास में किसी ने चुगली कर दिया, सारे ब्राह्मण तो कांप गए और सारे ब्राह्मण कांप करके सोचा किसने चुगली कर दिया। ब्राह्मण ने बोले महाराज जी माफ कर देना, हमने ज्यादा थोड़ा खीर बचा करके कम आहुति दिया, हाँ कम आहुति दे करके थोड़ा ज्यादा खीर बचा करके बढ़िया खीर बना था हम भोजन कर दिया। राजा तो खुश हो गए, बोला बोले देखो वो समझ गए आज ब्राह्मण लोग भक्त लोग प्रसाद पाए ना, भक्त लोग प्रसाद पाए हैं, इसलिए आज ठाकुर जी बहुत ही खुश है, क्योंकि भक्तों का हृदय भी भगवान की निवास है, भगवान खुश है। बोले देखो कल से जितना खीर बनती है ना आहुति के लिए उतना तो बनाया जाए और ज्यादा तुम लोग के लिए ज्यादा और खीर ज्यादा बने हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कहते भगवान जब वैष्णव लोग संतुष्ट हो जाते हैं उस समय क्या होता है अपने आप भगवान अपने आप संतुष्ट हो। इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद ने कई बहुत सारे जगह से श्लोकों को उद्धृत करके बताए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कैसे वैष्णव सेवा करते थे। इसलिए महाप्रभु जब गंगा स्नान में जाते थे जैसे श्रीवास पंडित सब भक्त लोग जाते थे, महाप्रभु क्या करते थे जब लास्ट में जैसे कपड़ा धोता है ना कपड़ा, हम वो कपड़े को लेकर के महाप्रभु स्वयं धो देते थे, स्वयं उसका पानी निचोड़ देते थे, और जब घर में आते थे महापुरुष स्वयं उनका साजी मतलब जो झोली में जैसे पूजा की सामग्री और जो कपड़ा लता है ना वहां से पकड़ करके महाप्रभु घर में आते थे। यहाँ पर वैष्णव सेवा, इसलिए हम मैं जो मंदिर में आया ना पहले पहले जो मंदिर में आए देखो उस समय में हम भी पहले जब आए कोई मंदिर में पहले आते हैं ना उस समय जो सुनते हैं वो करते हैं। हमने सुना भैया वैष्णव सेवा करने से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। हमारा मंदिर में वैष्णव लोग क्या करते हैं जैसे गर्म पानी में कपड़े को भिगा करके रख लेते हैं,
मैं क्या करता था, छुपा करके ले जाता था। जब वैष्णव सो जाता था छुपा कर ले जाता था और अलग बाथरूम में लेकर अच्छे तरह से उसको साफ करता था, साफ सुथरा करके कपड़े को हैं, उसको सुखा फुका करके फिर सांप को फिर उसको भाज करके फिर मैं वैष्णव घर में रख लेता था। हैं वैष्णव घर में रख लेता, जितने वैष्णव घर में होते थे सबका, जैसे हमारे जो पुरी महाराज, सागर महाराज हमारे मंदिर में, जैसे जो वैष्णव लोग जो थे सभी का हम लोग सेवा करते थे, वैष्णव सेवा करते थे। इसलिए महाप्रभु स्वयं यहाँ शिक्षा देते हैं, जब हम भक्तों का सेवा करेंगे, हम जब वैष्णव सेवा करेंगे क्या होगा, भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए भगवान स्वयं अपना जीवन में उतार करके ये चीज को महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। भक्त भगवान की सेवा से भगवान की भक्तों की सेवा की ज्यादा महत्व है। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की जय। ठीक है, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे
Oh,
गौरव भक्त गौरव भक्त गौरव प्रेमानंदे